भाई पेरिस ओलंपिक्स पे आज स्टोरी नहीं करूंगा, तहलका स्टोरी करूंगा। भाई ये पेरिस ओलंपिक्स की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? हैं? एक के बाद एक बवाल न्यूज आ रही है भाई। कभी लक्ष्य सेन का मैच ही कैंसिल हो जाता है, तो कभी कैजुअली कोई शूटर आके सिल्वर मेडल ले जा रहा है, और इस बार तो भाई मतलब लेटेस्ट कहानी यह है कि लड़ाई हुई एक औरत और एक आदमी के बीच ओलंपिक मेडल के लिए, जो टेक्निकली औरत नहीं है मगर फिजिकली मर्द है। तो भैया एक और आंधी चक्रवात तूफान आ गया है पेरिस ओलंपिक्स गेम्स में, क्योंकि बॉक्सर इमाने खलीफ के पार्टिसिपेशन पर बवाल कट गया है इन एन इवेंट फॉर विमेन बॉक्सर। बोले तो डिस्पाइट पोजेसिंग मेल क्रोमोसोम्स, इमान खलीफी को क्यों मिला मौका एक विमेन इवेंट में पार्टिसिपेट करने का। तो कहानी की शुरुआत हुई जब इमान खलीफ का मुकाबला हुआ इटली की बॉक्सर एंजेला करीनी से, और करीनी ने डिसाइड किया मैच के स्टार्टिंग के 46 सेकंड में ही कि वो ये मैच नहीं खेलेंगी, काहे कि उन्हें अपनी जान बचानी है। Yes, because she wanted to preserve her life. अपने ब्रीफ एनकाउंटर के दौरान करीनी को ऐसा लगा कि भाई सामने कोई महिला खलीफ नहीं खलीफा है, describing her punches as the hardest she had ever faced. After a short conversation with her coach, करीनी ने decide किया कि भाई जान बचाओ, रिंग छोड़ के जाओ, मेडल तो आते रहेंगे। रिंग के बाहर निकलने के बाद करीनी broke down, she started crying, and रोते रोते उन्होंने कहा कि For me, it's not a defeat. I'm fine like this. I didn't lose tonight. I'm coming out with my head held high and with a broken heart. बिचारी, मतलब उसके रोते हुए फोटो देखकर मुझे बड़ा बुरा लगा था। Anyway, ये पहली बार नहीं है कि इमाने खलीफ has been at the center of such a controversy. पहले भी इमाने को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था from competing in the 2023 championships over gender eligibility issues, यानी कि वो महिला हैं या पुरुष इसकी पुष्टि ना होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। 25 वर्षीय इमाने खलीफी आती हैं तियारेत अल्जीरिया से और एक यूनिसेफ एम्बेसडर भी हैं। खलीफी के पिता ने उनकी बॉक्सिंग को कभी अलाउ ही नहीं किया क्योंकि ही वॉज अगेंस्ट गर्ल्स फाइटिंग, लेकिन खलीफ चाहती थी कि वो अपने आने वाली जेनरेशन को इंस्पायर करे गोल्ड मेडल जीतकर ओलंपिक्स में। खलीफ ने अपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग की शुरुआत की साल 2018 में वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भाग लेकर, और वहां पर उन्होंने 17th पोजीशन पर फिनिश किया। फिर 2019 सेम इवेंट के एडिशन में वो 19वें पायदान पर पहुंची। खलीफ ने देन टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लिया जहां पर वो नॉकआउट हो गई थी आयरलैंड के केली हैरिंगटन के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। खलीफ ने सेकंड स्पॉट सिक्योर किया विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में उसके बाद, एंड वहां पर आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय एमी ब्रॉडहास्ट उनको टूर्नामेंट से बाहर निकलना पड़ा। उसके बाद शी वेंट ऑन टू विन गोल्ड मेडल्स इन द 2022 अफ्रीकन चैंपियनशिप्स, मेडिटेरेनियन गेम्स, और उसके बाद 2023 के अरब गेम्स में। ये 2023 ही वो साल था जब वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में पहली बार इमाने खलीफ को जेंडर कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा। नई दिल्ली में हुए इस 2023 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स इवेंट में खलीफ को डिबार कर दिया गया, रोक दिया गया फ्रॉम कंपीटिंग इन द इवेंट बाय आईबीए प्रेसिडेंट उमर क्रेमलेव। क्रेमलेव ने अपने स्टेटमेंट में बाद में कहा, बेस्ड ऑन डीएनए टेस्ट्स वी आइडेंटिफाइड अ नंबर ऑफ एथलीट्स हु ट्राइड टू ट्रिक देयर कॉलीग्स इनटू पोजिंग एज विमेन। According to the results of the tests, it was proved that they have XY chromosomes. Such athletes were excluded from the competition. इसके जवाब में Algerian Olympic Committee ने एक हल्का सा different stance लेते हुए खलीफ के elimination के खिलाफ एक statement जारी किया और कहा कि medical reasons की वजह से उन्हें बाहर होना पड़ा है, gender reason नहीं है। Algerian media, on the other hand, said that Khalif was disqualified for high testosterone levels, as per reported by Reuters. Khalif is pure fiasco se khush bilkul nahi thi, aur unhone kaha, There are some countries that did not want Algeria to win a gold medal. This is a conspiracy and a big conspiracy. And
वी विल नॉट बी साइलेंट अबाउट इट। अरे लेकिन आईओए ने एक लड़के को लड़कियों के इवेंट में खेलने के लिए अलाउ क्यों किया? देखिए मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं उनके जेंडर का, मगर डीएनए टेस्ट में निकल के आया भाई एक्स वाई क्रोमोसोम्स जो मर्दों में पाए जाते हैं वो खलीफ की बॉडी में मिले, तो टेक्निकली तो मर्द हुई ना, बायोलॉजिकली तो मर्द हुई ना, आई मीन टेस्ट बोल रहा है यार, तो आईओए ने अलाउ क्यों किया? ये तहलका ऑमलेट क्यों बनाया भाई? एनीवे, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के स्पोक्स पर्सन मार्क एडम्स ने एक ऐसी बात कह दी कि बुद्धि हरी हो जाएगी आपकी। उन्होंने कहा कि खलीफ के पासपोर्ट में फीमेल लिखा है, इसीलिए उनको हमने कहा कि अच्छा फीमेल कैटेगरी में आप कर लीजिए बॉक्सिंग। वाह, इन्हों आगे कहते हैं, सुनिए, टू कोट हिम, everyone competing in the women's category is complying with the competition eligibility rules, and kya hai wo, they are women in their passports and it's stated that this is the case that they are female। kya baat hai, matlab medical tests ke koi matlab hi nahi hai, bas passport pe female male jo likhwana hai likhwa lijiye aur ban jaiye। kya chal raha hai yaar, matlab international olympics chal rahe hai kya, matlab kuch bhi। khair, some current and former female boxing champions such as Clarissa Shields and Ebony Bridges, इन्होंने openly criticize किया है IOC को अब उनकी ruling के लिए। Meanwhile, the COA, which is the Algerian Olympic Committee, has come out in support to Imani Khalif। और मैं surprised नहीं हूँ, मतलब अपना बच्चा तो अच्छा ही होता है, नहीं? And lambasted the reports against her। सिरे से खारिज करके हाँ, करो कंपीट। लेकिन सोचने वाली बात यह है इन ऑल सीरियसनेस कि एक इवेंट जो महिलाओं के लिए है उसमें एक महिला भाग ले तो सही है, लेकिन अगर किसी एथलीट के जेंडर को लेकर कंफ्यूजन है तो क्या यह एक तरीके का धोखा नहीं है विद द अदर एथलीट, केस इन पॉइंट बीइंग करीमी, कि बस पासपोर्ट पे लिखा था फीमेल है तो हमें लगा फीमेल ही होगा। बट एनीवे, मैं इस कंट्रोवर्सी में कुछ कंट्रोवर्सियल कहकर और कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता था, मैं बस चाहता था कि ये खबर आप तक पहुंचे, एंड आप तक पहुंची। आपको क्या लगता है, सही है गलत है? खलीफ अभी भी टूर्नामेंट में हैं, अभी भी शिरकत कर रही हैं, आगे पता नहीं मुकाबले होंगे कि सारी जो फीमेल बॉक्सर्स हैं वो उनसे खौफ खा के बाहर निकल जाएंगी कि भाई ये कौन सुपर ह्यूमन वंडर वुमन महिला आ गई हैं। बट जोक्स असाइड, डीएनए टेस्ट अगर कहता है कि वो पुरुष हैं तो आई एम सॉरी टू से वो पुरुष ही कहलाई जाएंगी। हाँ, इफ शी आइडेंटिफाइज हरसेल्फ एज अ लेडी दैट इज अ सेपरेट केस, बट उस बिहाफ पे आप ओलंपिक्स में कंपीट नहीं कर सकते। एंड सैडली अभी भी ओलंपिक्स में ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पोर्टिंग इवेंट्स नहीं है, तो जब तक वहां पर जेंडर इंक्लूसिविटी नहीं आ जाती तब तक तो मेल और फीमेल में ही कॉम्पिटिशन होता रहेगा। और आईओए से तो बस हम इतना ही अनुरोध करेंगे कि प्लीज पुरुषों को पुरुष वर्ग में और महिलाओं को महिला वर्ग में ही खेलने दें, तो उनको करने की कोई जरूरत नहीं। आपको कुछ तो लगा होगा ना ये न्यूज सुन के, बस वही लिख दो कमेंट में। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और ऐसे ही तहलका अपडेट्स के लिए ये एंड प्लेट। बट साइनिंग ऑफ इज मी बादशाह, एंड बिहाइंड द कैमरा बस बनोबे तुम सुमित बडोला।